हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो हो सकता है, बिकॉज आज मैं अपने फ़ोन के कैमरे से शूट करी हूँ। मेरे पास है वन प्लस नॉट। आज का जो वीडियो है वो एक नए ब्रांड का रिव्यू है। एक्चुअली ये ब्रांड मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये जो ब्रांड है या इसके जो प्रोडक्ट हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और ऐसा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि आपको इसको क्यों यूज़ करना चाहिए या क्यों आपको इसको ट्राई करके देखना चाहिए। तो ये जो ब्रांड है ये है टैक कुमकुम आदि फेस वॉश। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्रांड है ये ट्राई करने का मैंने क्या सोच के ये ब्रांड ट्राई किया। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कुमकुम आदि, बिकॉज इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई एम श्योर कि ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको केसर की बहुत प्यारी सी स्मेल आती है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट जब यूज़ करते हो ना तो आप उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से आप एंजॉय करोगे अगर आपको केसर पसंद होगा। गाइस, पहला जो प्रोडक्ट है वो है इनका फेस वॉश, जो कि कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। गाइस, इसकी क्वांटिटी है 100 ml, और 100 ml आपको मिलता है सिर्फ 299 में। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसको आपको ऐसे निकालना है, और जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, और आप देख सकते हो इसमें ना गोल्डन डस्ट है। ये आपके स्किन को ना बहुत प्यारा सा एक ग्लो देता है। बेस्ट पार्ट इस ब्रांड का ये है कि ये जो ब्रांड है ये आयुर्वेदिक ब्रांड है, और इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है जो आपके स्किन को हार्म करे। गाइस, एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उसको आपको डायरेक्टली अपने स्किन पे नहीं अप्लाई करना है। पहले आपको अपने स्किन को थोड़ा सा वेट करना है, और उसके बाद आपको फेस वॉश या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर अपने हाथ में उसका फोम बनाना है, एंड देन उसको अपने फेस पे वॉश करना है। मैं ये फेस वॉश अराउंड 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, और जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये जो फेस वॉश है ना ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता है, जैसे कि बहुत सारे फेस वॉश क्या होते हैं कि जब आप उसको यूज़ करोगे ना तो उसके बाद आपकी स्किन में बहुत ऐसे खिंचावट सी फील होती है। तो ये इस फेस वॉश में आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट जो इनका प्रोडक्ट है वो है इनका कुमकुम आदि फेस स्क्रब। ये जो स्क्रब है ना ये इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, और आप देख सकते हो ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। गाइस, इसका जो पार्टिकल्स है ना वो काफी सही साइज में आते हैं। जब आप इसको यूज करते हैं ना तो ये आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है, आपके फेस पे जो डेड सेल्स है इसको बहुत अच्छे से निकाल देता है, और इसमें ना गोल्डन डस्ट है तो उससे आपकी स्किन जो है ना वो बहुत हेल्दी और बहुत ग्लोई फील होती है। गाइस, आपको ये स्क्रब जो है वो वीक में 2 बार यूज करना है, 2 बार से ज्यादा इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिकॉज कोई भी फेस स्क्रब जो है या कोई भी एक्सफोलिएट है वो आपके स्किन के डर्ट को निकालता है, बट अगर आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आपके स्किन में जो नेचुरल ऑयल होता है वो उसको भी निकाल देता है, और उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा ड्राई फील करती है। ये मिलता है आपको 100 ग्राम्स सिर्फ 349 के प्राइस में। इसकी जो वेबसाइट है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनका प्रोडक्ट है वो है इनका सनस्क्रीन, जो कि कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ में आता है। ये आपको मिलता है 399 रुपीज़ के MRP पे 50 ml। ये आता है आपको SPF 50 के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर आप काफ़ी देर बाहर हैं या फिर आप आउटडोर में भी हैं, तब के लिए भी ये सनस्क्रीन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। बेस्ट पार्ट इस सनस्क्रीन का ये है कि इसका जो टेक्सचर है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वेट सी, ये जेल फॉर्म में, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होता है ना कि ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। इसके अलावा ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। कि जब आप स्किन रूटीन करते हैं तो आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना होता है, मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन यूज़ करना होता है, तो उससे ना फेस पे काफ़ी थिकनेस लगता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट ना जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो जब आप इसके सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं ना आपकी स्किन में तो आपकी स्किन बहुत लाइट फील करती है। आप चाहें तो इसको अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे स्किन टाइप वालों के लिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई है तब भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशनल है आप तब भी इसके प्रोडक्ट जो है वो बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन को आप सारे सीजन्स पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ सनस्क्रीन होते हैं ना जो आप
विंटर पे नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो व्हाइट कास्ट होते हैं और बहुत ज्यादा ड्राइंग होते हैं। कुछ सनस्क्रीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ऑयली होते हैं जिसको आप सिर्फ विंटर पे यूज कर सकते हो, बट ये ऐसा नहीं है, इसको आप सारी सीजन पे यूज कर सकते हो। ये जो ब्रांड है ये एक मस्ट ट्राई ब्रांड है और आपको इसके प्रोडक्ट में एक बार ट्राई करनी चाहिए। सो गाइज ये थे मेरे रिव्यू टैग के प्रोडक्ट्स को लेके। और इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।